Hello, my dear student. How are you all? Let us continue chapter number 5. पहले मुझे बताओ आपकी preparation कैसी चल रही है? हैं? Chapter number 5 complete हुआ? It is a very important chapter, है ना? It is very very important chapter for board exam as well as NEET exam. तो मस्त ये chapter करना बेटा. 3 times video देखना, 2 times notebook में refer करना. ओके बेटा तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरी फिनाइल कीटोन्यूरिया. ओके थियोरी का नाम क्या है भाई? फिनाइल कीटोन्यूरिया. ओके तो भाई इट इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. तो ये किसकी एरर है? मेटाबॉलिज्म की. इनबॉर्न मींस गॉड गिफ्टेड, कि बच्चा जन्मा है ना, जन्म के साथ ही मिल जाती है. समझ में आया? तो इट इज इनबॉर्न, जन्म से पहले ही उसको मिल जाती है. ओके क्लियर. एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मींस हियर देयर इज समथिंग प्रॉब्लम अकर इन एंजाइम प्रोडक्शन. ओके व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज अ सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. ओके तो भी एंजाइम प्रोडक्शन होते हैं एंड दैट एंजाइम कन्वर्ट सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट. तो भी यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम होगा? कोई एंजाइम के सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा बेटा. ओके बेटा चलो तो फिर फर्स्ट पॉइंट इट इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, राइट. सेकंड पॉइंट इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. मतलब क्या है? हियर द जीन्स फॉर दिस डिजीज दे आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स. समझ में आया? फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर बोथ इन मेल एज वेल एज इन फीमेल. दे आर नोन एज ऑटोसोम्स. क्लियर? तो हियर द डिफेक्टिव जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम. और वो जीन कैसा है? रिसेसिव है. कैसा है बेटा? रिसेसिव कैरेक्टर है. क्लियर? ओके जीन डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा? तो ये रिसेसिव जीन के कारण ये डिजीज हो जाता है बेटा. क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स द एंजाइम. जिसको डिजीज हुआ है वो पेशेंट के अंदर एंजाइम बनता नहीं है. क्लियर? अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स द एंजाइम दैट कन्वर्ट एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन. क्लियर? तो यहाँ पे देयर आर टू एमिनो एसिड. वन एमिनो एसिड इज फिनाइल एलानिन and tyrosine is also amino acid in our body. How amino acid is formed? Do you know? हम food में क्या खाते हैं बोलो? Yes, rice, दाल, chapati, vegetable. Clear? Okay. In pulses, in dal, protein is present and that protein undergo digestion by various enzymes in our body and there is a complete digestion of protein. रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स. प्रोटीन का डाइजेशन होता है बेटा तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनते हैं, हमें पता है. क्लियर? ओके उसमें से एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन. क्लियर? दिस फिनाइल एलानिन विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम इज नोन एज पी ए एच. ओके फुल फॉर्म फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज. ओके एंजाइम का नाम बोलो भाई अगेन. फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज पी ए एच. इन नॉर्मल पर्सन, जो पर्सन को डिजीज नहीं हुआ है, नॉन अफेक्टेड पर्सन, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम. समझ में आया? डू यू नो tyrosine? Yes, it is amino acid. Okay, and this amino acid play very important role in myelin synthesis. What is myelin? It is a protein. Myelin is a protein which gives color to skin and hair. Sonia Evita. क्लियर? कि बीइंग नॉर्मल पर्सन दिस एंजाइम इज सिंथेसाइज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज. ओके क्या होता है? कौन सा नॉर्मल रिएक्शन होता है?
to be phenylalanine in presence of this enzyme converted into tyrosine. Tyrosine is a very important amino acid for melanin synthesis. What is melanin? Melanin is a protein which gives colors to our skin and hair. Okay, beta? Clear? Okay. Itna normal person ke andar hota hai. But if the patient is suffering from phenylketonuria, then what happened? PAH enzyme is not synthesized. This enzyme, phenylalanine hydroxylase, is not synthesized. Clear? So in affected person, this phenylalanine is converted into phenylpyruvic acid. Yaad rakhna hai. The affected person, patient, do not having this enzyme, phenylalanine hydroxylase. So phenylalanine is not converted into tyrosine. They have to be converted into phenylpyruvic acid. Kisme convert hua bhai? Phenylpyruvic acid. Clear? And this phenylpyruvic acid is very very toxic. It is very very harmful to us. Samajh mein aaya? If this phenylpyruvic acid, they are circulated throughout the body, they affect various organs. Clear? Okay? And responsible for different types of symptoms. कौन कौन से सिम्टम करता है फिनाइलपायरुविक एसिड? तो ये रहे, चलो आ जाओ. द एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइलपायरुविक एसिड इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन. ओके, क्योंकि फिनाइलपायरुविक एसिड कहां पे कलेक्ट हो गया? ब्रेन के अंदर. इंपोर्टेंट. ओके, एंड पर्सन को क्या बना दिया? मेंटली रिटार्डेड. ओके बेटा, के एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइलपायरुविक एसिड इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन. वो क्या करता है? मेंटली रिटार्डेड बना देता है पर्सन को. सेकेंड, फिनाइलपायरुविक एसिड इज वेरी टॉक्सिक. सो अवर किडनी, दे एब्जॉर्ब वेरी लेस. सो लार्ज अमाउंट ऑफ फिनाइलपायरुविक एसिड एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन. यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है. सेकेंड, इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन ड्यू टू इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी. कि भाई फिनाइल पायरुविक एसिड इज हाईली टॉक्सिक, और जो टॉक्सिक होता है ना, उसको हमारी किडनी अब्सॉर्ब नहीं करती है, लेस अब्सॉर्ब करती है, और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है. ओके, थर्ड, कलर ऑफ स्किन एंड हेयर अफेक्टेड. हमें पता है कि भाई फिनाइलएलानिन में से टायरोसिन बनेगा तो ही मेलानिन प्रोटीन बनेगा, तो ही हमारा स्किन कलर परफेक्ट होगा. बट हियर टायरोसिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड. इफ टायरोसिन इज एब्सेंट, then melanin protein is not synthesized properly. जो melanin बनना चाहिए वो बनता नहीं है. Okay? तो भाई it affects our skin color and hair color. हमारे skin and hair color को बहुत badly effect होता है. Clear? So this is the most important theory of chapter number 5. Okay? Weightage कितना होगा? 2 marks का weightage है. कितना है बेटा? 2 marks का weightage है. Clear दिख रहा? तो भाई मस्त theory थी. ये कैसा मेटाबॉलिज्म है? तो इट इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. ओके, मींस मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम कब होता है? जब एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होता है तब. कैसा ट्रेट है? इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. मतलब इसके रिसेसिव जीन्स है वो ऑटोसोम पर प्रेजेंट है. समझ में आया? ऑटोसोम्स मींस जो फर्स्ट 22 पैर क्रोमोसोम होते हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं. क्लियर? अफेक्टेड इंडिविजुअल डू नॉट सिंथेसाइज दिस एंजाइम प्रॉपरली. ओके, और उससे मेलानिन बनता नहीं है. हेयर कलर, स्किन कलर गेट अफेक्टेड, एंड द हार्मफुल कंपोनेंट फिनाइलपायरुविक एसिड इज फॉर्म व्हिच आर एक्युमुलेटेड इन ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल रिटार्डेशन. सेकेंड, इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन. व्हाई? बिकॉज किडनी इज नॉट प्रॉपरली एब्सॉर्ब इट. क्लियर? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी बेटा. क्लियर? 2 to 3 टाइम वीडियो देखना, 2 टाइम लिख देना, और परफेक्टली उसके एमसीक्यू को सॉल्व करना. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट. ओके बेटा, लेट अस डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ओके, एज यू ऑल नो दैट human body having billions of cells,
डू यू नो हाउ मेनी सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? चलो बोलो, हमारे बॉडी के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट है? बोलो फटाफट बोलो. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल? आंसर इज 10^14 सेल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 10^14 सेल्स. ईच सेल, हर एक सेल के अंदर, ईच सेल हैविंग हाउ मेनी क्रोमोजोम? ईच सेल हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम. ओके, ईच सेल हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम. आउट ऑफ दिस 23 पेयर, 22 पेयर आर सिमिलर इन मेल एज वेल एज फीमेल. ओके, दे आर नोन एज ऑटोजोम्स. उसको क्या बोलते बेटा? ऑटोजोम्स. कि भाई 23 पेयर में से 22 पेयर सिमिलर है, किसके अंदर? मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर. उसको बोलते हैं ऑटोजोम्स. वेर एज 23rd पेयर इज डिफरेंट. ओके, 23rd पेयर इज डिफरेंट. इट इज नोन एज सेक्स क्रोमोजोम. इन मेल इट इज XY एंड इन फीमेल इट इज XX. 23rd पेयर इज डिफरेंट इन मेल एज वेल एज फीमेल. मेल XY एंड फीमेल XX. क्लियर इतना? ओके, क्लियर. हमारे बॉडी के अंदर कितने सेल्स है? ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ 10^14 सेल. Each cell having 23 pair of chromosome. Yes, out of 23 pair, 22 pairs are similar. Yes, they are known as autosomes. Very good. Whereas 23rd pair of chromosome is different in male as well as female. It is known as sex chromosome. Okay, in male it is XY and in female it is XX. Very good. Chalo. तो व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? क्यों होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भाई? तो भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम. ये पता है कि भाई 23 पेयर मींस 46 क्रोमोसोम. तो भाई 46 की जगह 45 क्रोमोसोम होगी, 44 क्रोमोसोम हो गए. ओके, तो उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गई है. समझ में आया? क्लियर. भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम. के हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होने चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज 45 क्रोमोजोम और 44 क्रोमोजोम, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हुआ है बेटा. क्लियर, वो उसका रीजन है. चलो सेकेंड, एक्सेस ऑफ क्रोमोजोम. पता चला है इट सेल हैविंग 23 पेयर मींस 46 क्रोमोजोम, बट sometime there is 47, 48. समझ में आया? 46 का डबल 92, इतने सारे क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो भी क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है बेटा. क्लियर. थर्ड, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अकर ड्यू टू एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम. ओके, कि भी 46 क्रोमोसोम है, वो परफेक्टली अरेंज होने चाहिए. अरेंजमेंट पे प्रॉब्लम आया तो भी डिजीज हो सकता है, और जो डिजीज होगा वो क्रोमोसोम का कारण हुआ, जीन के कारण हुआ. एंड दिस डिजीज इज हेरिटेड डिजीज, इनहेरिटेड डिजीज मींस पैरेंट टू प्रोजेनी में 100% जाएगा. समझ में आया? पैरेंट्स को है तो उसके बच्चे को डेफिनेटली होगा बेटा. ओके, क्लियर. बट सम पैरेंट इज स्टराइल. अरे ऐसे पैरेंट तो कैसे होते हैं? जनरली स्टराइल होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद, बच्चा ही प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ऐसे होते हैं बेटा. क्लियर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन क्रोमोसोम, ड्यू टू इंक्रीज इन क्रोमोसोम, ड्यू टू चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम. क्लियर इतना? ओके, वेरी गुड. अब एक डिसऑर्डर देखते हैं, एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी किसको बोलते हैं? क्या हमें पता है कि भाई मियोसिस के बारे में जानते हो? सेल डिवीजन के बारे में यस जानते हैं मैम. कि भाई गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. ओके, गैमेट्स किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है भाई? मियोसिस के थ्रू. ओके, और उस वो परफेक्टली होगा तो गैमेट परफेक्टली बनेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं. बट इफ सेल डिवीजन के दरमियान
ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम हुआ किसके सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स कि भाई जो क्रोमेटिड्स है क्रोमोसोम है ओके क्रोमेटिड्स किसको बोलते हैं दिस इज क्रोमोसोम देख दिस इज फर्स्ट क्रोमेटिड सेकंड क्रोमेटिड व्हिच इज हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर मिडल में कौन है सेंट्रोमियर ये दोनों क्या है क्रोमेटिड व्हाट इज क्रोमोसोम What is chromosome? In structure of chromosome, two chromatids, one, two, held together by centromere, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम समझ में आया बेटा क्लियर अब जब गैमेट फॉर्म होता है बेटा तब क्या होता है सेल डिवीजन होता है ना तब क्या होता है कि दो सेल बनेंगे एक क्रोमेटिड इसमें जाएगा दूसरे क्रोमेटिड इसमें जाएगा क्लियर ओके नॉर्मल ऐसा होता है बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ दोनों क्रोमेटिड एक में चले गए और यहाँ कुछ भी नहीं गया और ऐसे गैमेट एक और ऐसे गैमेट इफ सच टाइप ऑफ गैमेट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन ओके तो उससे जो बच्चा फॉर्म होगा वो डिजीज वाला होगा समझ में आया चलो देखते हैं कि भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बैट्टी लाइन नीट एमसीक्यू क्वेश्चन में आती है बैट्टी लाइन आती है ध्यान रखो कि फेलियर ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड सीग्रीगेशन मीन सेपरेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड इनटू गैमेट्स ओके इफ फेलियर ऑफ सीग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉयडी समझ नहीं आया ये किसी में क्रोमोसोम ज्यादा चले जाते एक्चुअली कितने जाने चाहिए थे ऐसा ऐसा होना चाहिए था लेकिन क्या हुआ इसमें ज्यादा चले गए और इसमें आए ही नहीं समझ नहीं आया क्लियर तो What is the reason of aneuploidy? The failure of segregation of chromatids during cell division result in gain or loss of chromosome called aneuploidy. Chromosome increase hoga 46 se 47 hoga to bhi problem. 46 se 45 hua to bhi problem. Okay? Such disorder it is known as aneuploidy. The situation ko kya bolte beta? Aneuploidy. Clear example most important hai iske. डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम ओके क्योंकि डाउन सिंड्रोम अकर ड्यू टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन 21st फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें पता है कि हमारे में 23 पेयर है तो उसके जो 21 पेयर होनी चाहिए ना उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होने चाहिए 2 क्रोमोसोम होने चाहिए उसकी जगह यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एड हो गए 3 हो गए क्या हो गए 3 gain of extra copy of chromosome okay in 21st pair of chromosome ki bhai down syndrome kyu hota hai suppose koi banda hai koi male hai okay uska 21st pair mein chromosome mein do member hote hain do ki jagah 3 member ho gaye pair mein do hi chromosome hote hain lekin bahar se ek extra add ho gaya samajh mein aaya to usko kya kaun sa syndrome ho gaya down syndrome ho gaya important most important ओके सेकंड टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है कि भाई फीमेल के अंदर एक्सएक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बट बाय चांस एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है एक्सओ मींस X0 है ना कि भाई दो क्रोमोसोम की जगह एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल को कौन सा डिजीज होगा भाई टर्नर सिंड्रोम कौन सा होगा टर्नर सिंड्रोम इट अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल कि ह्यूमन फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम का लॉस हुआ और उससे ये डिजीज हो गया समझ में आया क्लियर सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एन्यूप्लॉयडी एन्यूप्लॉयडी में क्या होता है बेटा क्रोमोसोम में क्रोमोसोम के नंबर बढ़ भी जाते हैं ओके डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ 21st पैर क्रोमोसोम में दो पैर के अंदर दो मेंबर होने चाहिए उसकी जगह 3 हो गए समझ में आया टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ इट अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम एक्सएक्स होने चाहिए उसकी जगह एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो गया किसके अंदर ह्यूमन फीमेल के अंदर क्लियर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड के लिए भी नीट के लिए भी ओके बेटा अच्छा